सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। देखो बेटा मेरी बात गौर से सुनो, ये औरत जो है ना इतनी चालाक है तुम्हें इस घर में बसने नहीं देगी, लिखवा के दे दूंगी मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सबसे पहले उस औरत का पत्ता साफ करो। चल तू परेशान ना हो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम बहुत सारा जेवर और पैसा बटोल सकते। वो कैसे बताओ? वो ऐसे के क्या हुआ? गुमसुम क्या सोच रहे हो? एक तो इस घर में प्राइवेसी नामी कोई चीज ही नहीं है। तो तुमने क्या करना है प्राइवेसी का? क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे जहन में? क्या मतलब आपका? कौन सी खिचड़ी? जब देखती हूँ गुमसुम बैठे होते हो, किसी से बात भी नहीं करते हो। देखो अगर कोई लड़की वड़की का चक्कर है ना तो साफ साफ बता दो मुझे। जब जरूरत थी तब तो आपने साथ दिया नहीं, कर ली उसने किसी और से शादी। ओ, अभी तक नकाम मोहब्बत का मातम किया जा रहा है। इतना बेवकूफ समझ रखा है कि आपने मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपके गैर मुस्तकिल रवैये से तंग आ गया हूं। आपका बार बार एहसास से उलझना, उसके घर वालों पे चोरी का इल्जाम लगाना, ये सब चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। अम्मी क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? अच्छा तो तुम खड़े यहाँ ये सोच रहे हो? तो और क्या करूं अम्मी, बात ही परेशानी वाली है। नरमीन की हिमाकतों की वजह से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप एहसास के पीछे पड़ी हुई हाथ धोकर। अगर वो मेरी बेटी की सौकन ना होती ना तो दिल पर पत्थर रखकर उसे मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब नहीं। कोई सौकन मौकन नहीं अम्मी, वो महमाद भाई से ऑलरेडी डाइवोर्स ले चुकी है, और इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। तस्लीम ही तो नहीं किया जा रहा मुझसे। चलो आकर खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया मैंने, जल्दी से आओ। डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? परेशान ना हो, मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? जी डैड यहाँ पे सब खैरियत से है। मरियम आपको बहुत याद करती है। डैड हम बात कैसे हैं?
उनकी सर्जरी हो गई? बेटा, खुशखबरी देने के लिए मैंने फोन किया था। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। हम आधा भी आईसीयू में। क्या डैड? वहाँ की? डैड आप सच कह रहे हैं ना? हम मात फिर से ठीक हो जाएंगे। हम मात फिर एक दफा अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हाँ बेटा, दुआ करो। डॉक्टर ने उम्मीद तो बहुत दिलाई है, मगर 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 क्या डैड? डॉक्टर ये कह रहा था कि ऑपरेशन के पॉजिटिव रिजल्ट आने में एक माह भी लग सकता। क्यों डैड? डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? अरे बेटा, परेशान ना हो, मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा बेटा, मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरी बात भी करा देती? वो जरा जल्दी में थे इसलिए चले गए। बेचारे भाई साहब, अकलौता बेटा है हमारा उनका। वापसी का कुछ बताया उन्होंने? अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। तुमने कंगन वाली बात भाई साहब को तो नहीं बताई ना? फिलहाल तो नहीं बताई। बहुत अच्छा किया तुमने। देखो, घर में छोटी मोटी गलत फहमियां तो हो जाती हैं ना। इतना महंगा कंगन घूम गया था, मैं क्या करती? मेरे लिए तो सब चोर थे। मैंने कोई जानबूझकर तुम पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया ना? समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? देखो, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी यही करती। वैसे तुमने भाई साहब को ना बताकर बड़ी अकलमंदी का सबूत दिया है। मुझे ये तुम्हारी समझदारी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। प्लान ये है कि जैसे घर में जाओगे ना, घर के अंदर एक चौकीदार हो, चौकीदार को सही से हैंडल करना, क्योंकि वो बहुत शातिर बंदा है। जैसे ही अंदर एंटर होगे, लेफ्ट पे सबसे पहले आएगा रूम मेरी अम्मी का, और फिर आएगा हमाद भाई का। सारा कैश, जेवर वगैरह सब मेरी अम्मी के रूम में पड़ा हुआ है। ठीक है, हम हाथ दे कमरे से हार्डली कुछ मिला तो मिला। Thank you.
अभी कौन किससे मिलने आपको? अंदर चलो। काम करना माल वाल समेट के सीधे बाहर। हैं? अबे तू तो बड़ा डरपोक निकला भाई, तू इतना बुजदिल होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुझे क्या मेरे पे भरोसा नहीं है? तुझ पर है भरोसा, लेकिन उन लड़कों पर नहीं है। मुझे यार फर्स्ट टाइम ऐसा कोई काम करने जा रहा हूँ, वो भी अपने घर वालों के साथ। तुझे हंसी आ रही है और इधर मेरी जान पर बनी हुई है यार। अबे तू चिल कर, देख अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है ना तो इस तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बड़ी बड़ी बल्लियां सर पे लेनी पड़ती हैं, और ये तो बहुत छोटा सा काम है। मैंने तो उससे बड़े बड़े काम तेरे लिए सोचे, खूब सारा पैसा कमाना है, खूब तरक्की करनी है। कहाँ गया तेरा कॉन्फिडेंस? अबे कॉन्फिडेंस के बगैर नहीं होगा ये काम। अगर पकड़े गए ना, ये सारा कॉन्फिडेंस मिट्टी मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे? नौकरी रिश्तेदारी के साथ साथ रही से इज्जत भी चली जाएगी। अबे इज्जत इज्जत की बातें मत किया अगर मेरे सामने। अबे जब पैसा ही नहीं होगा तो इज्जत कौन करेगा तेरी? जब पैसा होता है तो इज्जत होती है भाई। इस दुनिया में सिर्फ जिसके पास दौलत है उसकी रिस्पेक्ट है बॉस, मैं बता रहा हूँ तुझे। तेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। सच बता दे, मैं गोली मार दूंगा। मारना नहीं। तुम लोग हो कौन? क्या चाहते हो? कैसे आए हो अंदर? चुप कर, हरकत मत करना, इन तो गोली मार दूंगा। आंटी प्लीज मेरे पापा को फोन करके बोलना। मेरे बच्चे मैं तुम्हारे पास हूँ ना। जेवरात और कैश कहाँ है? जल्दी बता। हमारे पास कोई माल नहीं है, सारा बैंक में रखा है। झूठ बोलती है, गोली मार दूंगा, जल्दी बता। हम सच कह रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जाओ इन दोनों को लेके जाओ, जो भी माल मिले जल्दी से मेरे को लेकर आना। जाओ क्या खा रही हो? मुझे भी दे दो। मैंने तुमसे कुछ कहा है नरमी? I heard that. जाके किचन से ले लो अपने लिए, नौकरानी नहीं हूं तुम्हारी। बीवी तो हो ना, और शौहर को खाना देना बीवी का फर्ज होता। मैं उन आम बीवियों की तरह नहीं, शायद तुम भूल गए। इतनी खास भी नहीं हूं, सुरखाब के पर नहीं लगे तुम्हें। और वैसे भी पूरी दुनिया की औरतें शादी के बाद अपना किचन संभालती हैं, चाहे वो कितनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी क्यों ना हो। अच्छा, और दुनिया का बड़े से बड़ा बेगैरत और हड हराम आदमी भी ना अपने बीवी बच्चों के लिए जाके कमाता है। What you just said? मुझे हड हराम और बेगैरत कहा? एक हड हराम और बेगैरत आदमी को वही कहूंगी ना, किसी और नाम से पुकारूंगी मैं? मेरे टुकड़ों पर पलते हो तुम, मेरे पैसे की अय्याशी करते हो, पता नहीं किस किस पर लुटाते हो, यहाँ बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ते हो और मुझे एक और लफ्ज भी मुंह से निकाला तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। सुहेल, यू आर हर्टिंग मी, प्लीज। मैं हमाद नहीं हूँ, मुझे औकात याद दिलाना अच्छी तरह आता है। ठंडा ऊंची आवाज में मुझसे बात की तो वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। ब्लडी जल्दी से।
ज्यादा होशियारी करने की कोशिश नहीं करना समझी। क्या हो गया यार? बहुत देर हो गई है, मुझे टेंशन हो रही है। मुझे तो ये डर लग रहा है अम्मी 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 को कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा भाई, मुझ पे भरोसा कर। कुछ नहीं होगा, इधर बैठ, इधर बैठ। कुछ नहीं है क्या? नहीं है कुछ, आपको वही तो बोल रही थी। पर्स कहाँ है? वो एक सेट था, वो आंटी के कमरे में रखा हुआ है। पर्स? पर्स कहाँ है? वो रखा, वो रखा। हरियो? कुछ भी नहीं है। चुप! ये 1000 रुपए बस? हाँ। ये क्या कर रहे हैं? मैं वापस बुला रहा हूँ। किसे वापस बुला? उन लोगों को। पागल हो गए? एक मिनट, अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? वापस आ जाओ। नहीं नहीं, मैंने कहा ना वापस आ जाओ। अबे बकवास कर रहा है यार, ये नहीं आना यार। सनकी पागल आज। अबे इधर टेंशन हो रही है तुझे। अबे इतना सारा प्लान किया है। अबे यार वो दूसरा कहाँ है? अंदर है, बाहर उठा लिया। अंदर 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 इधर साइड में। आंटी आंटी क्या हुआ आपको? आंटी चल चल निकल। लो बैठ लो, चल इससे भी होशियारी के ना। तुम्हें क्यों कुछ कहेंगे? तुम्हारा कसूर थोड़ी है। आप लोग परेशान ना हो, वो जो भी चोर थे ना, वो कल सुबह तक इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। के सिर्फ 2 लाख रुपए था और वो हमने बराबर ले लिया। बराबर ले लिया? क्यों ले लिया भाई? इतने बड़े काम का इतना ही पैसा होता है मेरा भाई, और उस इलाके में दिन दिहाड़े डकैती डालना
कोई मजाक नहीं है, तू जानते हैं ये सिर्फ तुम्हारे खातिर की है। अच्छा ठीक है, अभी इन डब्बों का जिक्र जैन के सामने नहीं करना, और अगर उसने शोर मचाया तो वो मैं संभाल लूंगा, उसकी टेंशन नहीं। पापा पापा, आंटी आंटी प्लीज मेरे पापा को बुलाए ना। अरे मेरी जान क्या हो गया आपको? वो डाकू हमें मार देंगे। नहीं नहीं मेरे बेटा, कुछ नहीं होगा, देखो सब चले गए, अब हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा आप डरो मत, आप लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। आंटी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, वो डॉक्टर ने पट्टी की है, आराम कर रही हैं। तुम एक काम करो, तुम मरियम के पास रहो, मैं जरा आंटी को देख कर आती। नहीं आंटी नहीं प्लीज, आप मुझे छोड़कर मत जाएं। अरे मेरी जान मेरी गुड़िया, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, अभी वापस आ रही हूँ। नहीं आंटी प्लीज नहीं। मैडम पिज्जा आज तो मैं बाहर से ले आया हूँ, लेकिन कल से तुम खुद पकाया करना। अच्छा तुम्हें पता है मुझे पकाने वकाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ लेकिन अब तुम पहले वाली नरमीन नहीं रही, अब तुम मिसेस रोहेल बन चुकी, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जब मैंने हमाद जैसे बंदे के लिए अपने आप को नहीं बदला तो तुम्हारे लिए क्यों बदलूंगी? तुमसे तो मैं प्यार भी नहीं करती। तो क्यों रह रही हो मेरे साथ, चली जाओ। तुम इतनी टेंशन में भी कैसे कर लेते हो ऐसा मजाक? हाँ तुम शायद भूल रहे हो कि जिस घर में तुम रह रहे हो ये घर भी मेरा ही है, इसके यूटिलिटी बिल्स, इसका किराया मैं देती हूँ, तो टेक्निकली अपार्टमेंट मेरा हुआ। और तुम तो शुक्र करो कि तुम्हें यहाँ रहने की जगह मिल गई है, मुफ्त में खाना पीना सब मुफ्त था, वरना अपने दोस्तों की तरह सड़कों पर पड़े होते, कहीं ख्वार हो रहे होते। सड़कों पे मैं नहीं तुम मारी मारी फिरती, अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो कहाँ जाती, कौन देता तुम जैसी घर से भागी हुई औरत को सहारा? शराब ओके, एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला ना तो यहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। अच्छा अगर निकाल सकती हो तो निकाल लो, अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना तुम्हें, खुद को आसमान से उतरी हुई हूर समझती हो। देखो औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना, अगर एक बार उसका दामन दागदार हो जाए ना तो उसकी खूबसूरती चली जाती है तेल लेने। बकवास बंद करोगे अपनी? हाँ मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। अच्छा जो औरत अपना घर शौहर औलाद छोड़कर रूपोश हो जाने वाली लड़की का इस मुआशरे में क्या मुकाम है? सीरियसली डोंट यू नो दैट? अभी तो तुम अपने घर से बहुत दूर हो, लेकिन जब तुम वापस अपने घर वालों रिश्तेदारों के साथ जाके बैठोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा क्या मुकाम है। तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे शादी करके अपना नाम दिया, इज्जत दी, वकार दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब बोलते? हाँ तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए, मेरा, मैं मरी नहीं जा रही थी तुमसे शादी करने के लिए, तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, और मेरी वजह से तुम आज इस फ्लैट के मालिक हो, बड़ी गाड़ी लेकर घूमते हो, दोस्तों में बड़ा भरम मारते हो ना, मेरी वजह से तुमने यूरोप का टूर किया, मेरे टुकड़ों पर पलते हो तुम और मुझे आंखें दिखाते हो। बस बकवास बंद, तुम हमाद के चिड़चिड़ेपन से तंग आ गई थी ना, अब तुम मेरा पागलपन देखना। चीहू? बस अपने घटिया अल्फाज मुझ पर जाया नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर असर तो होने वाला नहीं, तुम्हें मुझे इसी तरह बर्दाश्त करना होगा क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। सारे पैसे लेंगे।
इतनी मुश्किलों से इतना जेवर इकट्ठा किया था मैंने, इतना जेवर अब दोबारा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्या करूं? तुम अपने ताजान को फोन करो, उन्हें बताओ हम पर क्या बीती है, डाका पड़ गया यार, मैं सारा कुछ लूट के ले गए। क्या जरूरत है तुम्हें परेशान करने की, वो हमाद भाई की वजह से ऑलरेडी डिस्टर्ब है। पर अम्मी आप प्लीज रोना बंद करें, अम्मी अब जो होना था वो तो हो चुका है ना, एटलीस्ट आप लोग मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। तुम्हें कैसे इन्फॉर्म करती, उन कमीनों ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया, देखते रहे मेरा सर पट गया, बेहोश हो गई मैं, गिर गई, पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे संभाला, तुम्हें कैसे बताती। अब आपकी तबीयत कैसी है? ख्याल आ गया तुम्हें पूछने का? आंटी वो मरियम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, अभी मैं उसी को सुलाकर आ रही हूँ, मुझे आने नहीं दे रही थी। खैर अब आप बताए आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कैसी तबीयत हो गई, इतनी जोर से मुझे धक्का दिया, सर फोड़ दिया, देख तो रही है। अम्मी आपने एक्चुअली शोर मचाया होगा, बहस की होगी उन लोगों से, क्या जरूरत थी अम्मी ये सब कुछ करने की, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं अम्मी, इनका मकसद पूरा ना हो तो लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता अम्मी तो मेरा क्या? जैन तुम आंटी को तसल्ली देने के बजाय रो रहे हो। तो और क्या करूं भाभी, अम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, मेरे सामने आ जाए एक को जान से मार दूंगा, ताया जान को क्या मुंह दिखाऊंगा, आप दोनों की जिम्मेदारी हो मुझे सौंप के गए। तुम परेशान ना हो, तुम्हें क्यों कुछ कहेंगे, तुम्हारा कसूर थोड़ी है। आप लोग परेशान ना हो, वो जो भी चोर थे ना वो कल सुबह तक इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने मुझे यकीन दिलाया है कि वो जो भी चोर थे वो उनको कल सुबह तक पकड़ लेंगे। क्या किया आपने? क्या मतलब, मैंने पुलिस को इतला दे दी और क्या। मगर क्यों? मगर क्यों, ये क्या कह रहे हो तुम सैन? भाभी आपको उनको फोन नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट किसी से मशवरा तो कर लेती, हमारे घर की खवातीन पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ती। ठीक ही तो किया है इसने, वो चोर लुचक के जिंदगी भर की मेरी जमा पूंजी ले गए, ठीक किया इसने। अम्मी आप जेवर के पीछे रो रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो थे तो बहुत होशियार, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे, और आंटी आपने देखा नहीं वो आपके और मेरे कमरे में आए और उन्होंने घर के किसी भी कोने की कोई तलाशी नहीं ली। उन्हें बहुत जल्दी होती है हर चीज की भाभी, उनको सब कुछ जल्दी करना होता है, बहुत मुश्किल होता है, और अम्मी उन लोग अपनी जान भी तो बचानी होती है। ठीक कह रहे हो तुम, थे तो वो बहुत ही जल्दी में, और हाँ उन्हें कोई फोन आया था और वो थे बहुत जल्दी में, जो उनके हाथ लगा वो उन्होंने उठाया और बाकी सबको छोड़ छाड़ के चले गए, और मैंने बिल्कुल ठीक किया, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और मैंने वही किया, और अगर डैड मेरी जगह होते ना तो वो भी यही करते। मगर भाभी आपको पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था, मेरा मतलब ये कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था ना। देर से करके भी क्या फायदा होता, और चुगताई अंकल मुझे कह रहे थे कि मैंने उन्हें इन्फॉर्म करके बहुत अच्छा किया। ये चुगताई अंकल कौन है? डैड के दोस्त एसपी। आपने ताजान को बता दिया? नहीं मैंने अभी उन्हें कुछ नहीं बताया, वो आ जाए तब मैं बता दूंगी, और जब तक वो आएंगे तब तक तो शायद चोर भी पकड़े जाएंगे। अल्लाह करिया सही हो। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? मेरे पसीने? अम्मी आपको कितना बुरा हाल कर दिया उन लोगों ने, मेरे सामने आ जाए मैं एक को जान से मार दूंगा। बस बस
दफा करो उन लोगों को, खतरनाक लोग थे, टक्कर नहीं लेना उनसे। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? और बेटी, उसने पलट कर कभी खबर भी नहीं ली कि माँ जिंदा है या मर गई। पता नहीं क्या गलती हो गई थी मुझसे, अल्लाह ने मुझे ऐसी बेहिस औलाद दी। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपका बेटा, आपका सहारा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, आपको कभी नहीं सताऊंगा। आप जल्दी से ठीक हो जाओ अम्मी, और सारे जेवर मैं आपको बना के दूंगा जितने आपको चाहिए होंगे। जी बीबी, तुमने दरवाजे खिड़कियां सही तरह लॉक कर दिए ना? जी बीबी, मैंने सारे खिड़कियां दरवाजे सब लॉक कर दिए हैं और चौकीदार ने मेन गेट पर भी ताला लगा दिया है। मरियम बीबी आप कैसी हैं? वो तो बहुत डरी हुई सहमी हुई है, बार बार डर के उठ जाती है। खैर आज से वो मेरे पास रहेगी जब तक कि डैड नहीं आ जाते। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बतूल आंटी के पास जाओ, उनका ख्याल रखो। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो वैसे भी इतना परेशान है। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें। क्या बात है इनकी, कितनी अच्छी हैं ये, और एक बेगम साहिबा हैं, उनके इतना बुरा सुलूक करने के बाद भी ये कितनी फिक्र करती हैं उनकी। कहाँ थे तुम? तुम्हें कब से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। जिब्रान तुम्हें आइडिया नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हम लोग। भाभी ने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया है और तुम्हारे किराए के डाकुओं ने मेरी माँ को जख्मी कर दिया है। उनको क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? उनको यहाँ चोरी करने भेजा था ना कि मेरी माँ को जख्मी करने। जिब्रान तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है और अब मसले का हल निकालने के बजाय तुम मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हो। देखो जिब्रान मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर ताया जान को कुछ भी पता चला ना तो मैं सारा इल्जाम तुम पर डाल दूंगा। हाँ हाँ ऐसे धमकी समझो। आप वो मैं आपको अब हाँ वो पता है कल चुपताई अंकल आने वाले हैं तो वो इंक्वायरी करने के लिए आ रहे थे, तो मैं आपको सिर्फ ये बताने आई थी कि आप ऑफिस 12 बजे के बाद जाइएगा। ठीक है। देख अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है ना तो अपने दिल को बड़ा कर, दिल को बड़ा करेगा बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ तू लाख रुपए के लिए रो रहा है, मैं वहाँ अरबों खरबों की प्लानिंग लेके बैठा हूँ। और ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा कमीशन देके जाएगा हमें। कुछ महसूस हो रहा है? यस डॉक्टर, मैंने फील किया कि मेरी टांगें हिल भी रही हैं अब, लेकिन साथ साथ दर्द भी महसूस हो रहा है। दर्द होना तो अच्छी अलामत है, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सरसाइज करें और सर्जरी माशाल्लाह से कामयाब रही, कुछ ही दिनों में आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह डॉक्टर। रियली डॉक्टर? ऑफ कोर्स, आपकी सर्जरी 100% कामयाब रही, आप अल्लाह से दुआ करें। ये और ये डब्बा बस खाली। What the hell is this? तो अबे बस इतना ही जेवर मिला है तुम्हारे घर से, वो भी आपकी अम्मा की अलमारी से। जब आपकी भाभी जान को टटोला तो उनके पास से 1000 का नोट निकला बस। वैसे एक बात बताऊं, तेरा भाई बड़ा कंजूस आदमी है यार, एक जेवर तक बना के नहीं दिया। मगर यार ये कैसे मुमकिन है? अम्मी के पास तो अच्छा खासा जेवर था,
ये मैंने खुद देखा था एक दिन पहले, और अम्मी बता रही थी उनके पास 2 लाख कैश। 2 लाख कैश कहाँ है? कहाँ है क्या? ये दिया डाकू को। क्या तुमने 2 लाख रुपए डाकू को दे दिए? तो अबे डकैती की यही रेट है, तुझे नहीं पता? कोई चिंती चोर नहीं थे, प्रॉपर ट्रेन चोर थे वो। और वैसे भी वो बहुत सख्त सिक्योरिटी वाला इलाका था, कोई ऐरे गैरों को भेजता ना मैं तो पकड़े जाते अपन। देख जान की बाजी लगाई थी उन्होंने इसके लिए, और निकला क्या, छटाक बराबर जेवर। वैसे तो उनका कमीशन बहुत ज़्यादा बनता था, लेकिन मैंने बात बात करके उनको समझाया, मैंने कहा अपना भाई अभी रखो इसको, इतना 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 रखो अभी, मान गए वो। खैर अब मैं क्या करता यार, कुछ निकला ही नहीं वहाँ से, इतना तो देने पड़े मुझे। मगर यार वो 2 लाख रुपये क्यों दिए? 25-30 हज़ार दे रहे थे, ठीक था। कितने? 25-30 हज़ार? 3 डाकू हो गए? बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुम ही डाकू कर लेना फिर। अबे बोल भी नहीं देना किसी को, हंसेंगे तुझको। देख देख अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है ना, तो अपने दिल को बड़ा कर। दिल को बड़ा करेगा बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ तू लाख रुपए के लिए रो रहा है, मैं वहाँ अरबों खरबों की प्लानिंग लेके बैठा हुआ। और ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा कमीशन दे के जाएगा हमें, इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हो जा, समझ रहे? वो तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरी अम्मी के साथ जो सुलूक किया है ना यार, वो शोर मचाएंगे तो क्या करेंगे? प्यार करेंगे उनको, अभी कोई शोर मचाएगा तो उसका यही हाल होगा ना भाई। वो तो बहुत कुछ कर सकते थे यार, ये भी तो देख। अब मेरी सो कॉल्ड भाभी ने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया, इस वक्त तो पुलिस तफ्तीश के लिए मेरे घर पहुंच चुकी हो। मुझे टेंशन हो रही है यार, मैं क्या करूँ? एक बात कहूँ भाई, बुरा तो नहीं मानेगा, पीछे तेरी भाभी है ना बिलाव जी की, ढेर होशियार है, करना कराना कुछ होता नहीं है उसको, हर काम में टांग अड़ानी होती है। अबे अगर तू डकैत को लेकर टेंशन ले रहा है ना, तो वो आज रात की फ्लाइट से लाहौर जा चुकी है, वो नहीं है अभी यहाँ से, बचाऊँ मैं और तू बस। अब तू मुझे बता दे अगर तुझे मेरे साथ काम करना है, तो ये डर खौफ ये सब अपने दिल से निकाल देना हो, बिल्कुल शेरों की तरह काम करना हो। और तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस वक्त अपने बॉस की बहू से बात कर रहे हो। तुम्हें मुझसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और कभी भी तुम्हारे हमाद के बीच में भी नहीं आऊंगा। प्लीज आप रुकें।